हैदराबाद में अगर आप आते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है? क्योंकि ये हमने राइस लिया है, वेजिटेबल राइस है। अच्छा, 2000 डालना है, 2000। चीकू नहीं हुई, देखिए। हाँ, ना कैमरा कैमरा तो पड़ता है। अभी हम जा रहे थे हैदराबाद से बेंगलोर, तो रास्ते में आप जाएंगे जगह जगह पे ऐसे मिलेंगे आपको डोसा साई कृष्णा टिफिन। तो फ्रेंड, अब हैदराबाद को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। देख सकते हैं कितना सामान हमने ठूस रखा है, क्योंकि ट्रिप बहुत लंबा है। आइए मैडम, अभी जी खाने का भी सामान ले लिया है, बर्तन वर्तन ले लिए हमने, तो मतलब पूरी डिग्गी को हमने फुल यूज़ कर रहे हैं। अभी चल रहे हैं यहाँ से, आज हैदराबाद हमने कवर कर दिया है, अब कोशिश करेंगे शाम तक बैंगलोर पहुँचने की। तो फ्रेंड्स, वी नीड योर बेस्ट विशेस टू, क्योंकि हम लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं, यहाँ लैंग्वेज बैरियर यहाँ तक तो नहीं था, अब आगे शायद वो भी आएगा, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो लेट्स गो टू बैंगलोर। हैदराबाद निज़ामों का शहर है, हमने पूरा कवर कर दिया है जैसे कि आपको मालूम पड़ गया होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हैदराबाद में अगर आप आते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हम तो भैया वो लोग हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम तो धक्के खा के सीख रहे हैं दुनिया में। जब भी आप किसी शहर में घुसते हो तो आपके मन में ना एक पिक्चर होती है उसकी कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर बाद में आपको मालूम पड़ता रियलिटी क्या है। तो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा, अगर आप हैदराबाद आने का घूमने का प्लान बना रहे हो, सबसे पहले तो आपको किस मौसम में आना है। तो फ्रेंड ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपने यहाँ कोशिश करना है कि थोड़ा जब नॉर्थ में सर्दियाँ पड़ रही हों तब आना है। तो जब हैदराबाद में एंट्री करते हो, रास्ते बहुत अच्छे, तो रास्तों की चिंता नहीं करनी आपने। लेकिन जब आप एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपके एंट्रेंस होती है सिकंदराबाद से होती है, और पूरा हैदराबाद के अंदर सिटी शहर में घुसते हो, या भीड़ बहुत है। हैदराबाद शहर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो हाईटेक सिटी और एक पुराना गुड़गांव, पुराना हैदराबाद। देख दे सुंदर हाईवे बना हुए। हम हैदराबाद से बेंगलोर जा रहे हैं, तो जो भीड़ वाली जगह है बहुत मुश्किल होने वाली है, आप गाड़ी को अपना पार्क कर दें तो बढ़िया रहेगा। हमने जो ये लिया था, हमने लिया था थोड़ा गोलकोंडा एक फूड पड़ता है उसके आसपास लिया था, फ्लैट था बेसिकली, वो फ्लैट में हम 2 BHK था, काफ़ी स्पेसियस था, क्योंकि हमारा अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी वालों को कभी दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम आती है जो टैक्सी पे डिपेंड है उनको सिटी में लेना चाहिए। चार चीज़ों का नाम लूँगा, कन्फ्यूज मत लो ना, वो चारों चीज़ें एक ही जगह पे हैं। NTR मेमोरियल, NTR गार्डन, हुसैन सागर और लुम्बिनी पार्क, ये चारों एक ही साथ हैं। तो आप इसको 5-6 घंटे चाहिए आपको, तो आप इसको कवर कर सकते हो। प्लीज़ आप ध्यान रखना, हमें लगा था पता नहीं कितना डिस्टेंस होगा क्या होगा, एक ही जगह गाड़ी पार्क कीजिए, यानी कि अगर आप NTR मेमोरियल में या NTR गार्डन में भी गाड़ी अपनी पैक, वो देखिए सामने। हमें बेंगलुरु जाना है फ्रेंड, बेंगलुरु का एरो जो है लेफ्ट की तरफ बना हुआ है, नागार्जुना सागर भी है इधर कोई, वारंगल, हमें जाना है सीधा बेंगलुरु की तरफ। तो वो कितनी देखिए कितना सुंदर है ये रोड हाईवे, उम्मीद करता हूँ कि ये भी मुझे वैसे ही हाईवे मिलेगा और मैं गाड़ी को अपनी अच्छी एक माइलेज निकाल सकता हूँ गाड़ी से अपनी। तो ये चारों चीज़ें आपको एक जगह मिलती है, एक जगह गाड़ी पार्क कर दीजिए और मूवमेंट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी साफ सुथरी जगह पे है, वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। चार मीनार में फुल टू भीड़ है, वैसा अपनी गाड़ी लेके कभी जानी नहीं आपने, और चार मीनार आई थिंक आपको एक घंटा, अगर चार मीनार की बात करूँ तो मार्केट में घूमने का तो आप 10 घंटे लगा दीजिए, लेकिन एक घंटे में आप चार मीनार कवर कर सकते हैं। बगल में उसके मक्का मस्जिद भी है, वो भी कर सकते हो, बहुत रीजनेबल है, ऊपर चढ़ सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ने को बड़ी सक्रिय, लेकिन चार मीनार एक बार देखना बनता है। पर भीड़ ऐसी है, ऐसी भीड़ है भाई साहब कि हम दिल्ली वाले होने के बावजूद भी हम भी घबरा जाते हैं। तो आपको ये देखना है, नहीं देखोगे तो आदमी पूछा चार मीनार देखा, क्योंकि हैदराबाद जब भी नाम आता है तो लोग चार मीनार की बात करते हैं, जबकि चार मीनार के अलावा यहाँ पे और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं घूमने को। और अपनी गाड़ी से आए, कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे बड़े अच्छे अच्छे बने हुए। तो फ्रेंड ये मेरा हैदराबाद का था सारा, हैदराबाद में जो हमने मजा किया। खाने पीने का ध्यान रखना, यहाँ पे सबके लिए जगह है, आप यहाँ पे वेज भी खा सकते हो, नॉन वेज भी खा सकते हो, हम वेजिटेरियन थे, हमें भी प्रॉपर खाना मिला और खाने का टेस्ट यहाँ पे नंबर वन है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हिंदी इंग्लिश आप बोलिए, लोग आपको समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, सब लोग फ्रेंडली हैं। उत्तर प्रदेश हरियाणा में डीजल का प्राइस काफी 90 से कम है, लेकिन तेलंगाना, राजस्थान और MP, इन तीन जगह पे डीजल 94-95 रुपीज़ है, तेलंगाना में तो शायद 96
6 के आसपास है। महाराष्ट्र में भी मैं आया था, महाराष्ट्र में भी डीजल जो 93 रुपीज है, पर बेंगलोर में कर्नाटका में शायद डीजल कम है। तो मैं अपनी गाड़ी में टैंक फुल कराते चले, वो सामने गुजरी है XUV700। टोल टैक्स है क्योंकि टोल रोड देखिए आप, ये कितना अच्छा रास्ता है, टोल टैक्स इतने ज्यादा है और आपको हर आई थिंक 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स भरना है। कम से कम अगर मैं इस ट्रिप पे मानूं तो मेरा हो सकता है कि 10,000 रुपए का टोल टैक्स लग जाए। बिल्कुल XL6 लगती है मेरे को देखने में ये, बल्कि वो इससे बेटर है। आजकल ये डिग्गी को अंदर घुसाने का पता नहीं क्या, रिट्स में आता था पहले, काफ़ी गाड़ियों में ही आने की कंपनियां दे रही हैं। हैदराबाद से बेंगलोर रास्ता देख लीजिए कैसा है, ट्रैफिक तो ठीक ठाक है, फुल ट्रैफिक है, गाड़ी चल रही है पर ऐसा नहीं है खुला डुल्ला रोड नहीं है, देख लीजिए आपके सामने है। और वो सामने कुरनूल भी लिखा आ रहा है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है, अनंतपुर और नीचे ऊपर लिखा हुआ है बेंगलुरु 512 किलोमीटर। कन्याकुमारी जाने का ट्रिप अपना 1193 किलोमीटर अभी भी बाकी है। अभी हम सिर्फ 50 किलोमीटर आए होंगे, फिर एक नया टोल टैक्स आ गया है। अब ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे टोल रोड का कोई टोल टैक्स होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी और काफ़ी महंगे महंगे टोल टैक्स हैं। 70 रुपये का टैक्स है ये, लेकिन आई डोंट नो क्यों है ये, ऐसा अच्छा हाईवे था नहीं है। देखते देखते हमारी गाड़ी रीड करते नहीं करते भाई, यस टोल टैक्स कोई के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, टोल टैक्स पे जब भी आप जाएंगे ये रीड करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं कि भाई समझा नहीं, भाषा नहीं समझा, इसको सारी भाषाएं आती है। अभी हम जा रहे थे हैदराबाद से बेंगलोर, तो रास्ते में आप जाएंगे जगह जगह पे ऐसे मिलेंगे आपको डोसा साईं कृष्णा टिफिन डोसा वाले, तो हमने गाड़ी वहाँ लगा दी है और अभी हम दो डोसा खाएंगे और डोसे का मज़ा लेंगे। ग्रीन बावर्ची होटल है तो ये डोसा भैया बढ़िया बनाएगा। ये हाईवे है, हम इधर जाना है, हमें बेंगलोर तरफ। ये भैया बना रहा है डोसा, मेन रोड पे मिल जाती दुकान है आपको ये, और अब देखते हैं कैसा डोसा बनाएगा भैया। वैसे तो ये अंडे का अंडे फोड़ रखे हैं भैया, भैया वेज देना हमें। हाँ वेज ही साहब, वेज ही तेरा साहब। देखते हैं ऐसा वेज वेज बोलता लेकिन देखता वेज कितना होता। शाकाहारी लोगों को हमेशा दिक्कत रहती है जब आप रोड ट्रिप मारते हो ऐसे, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। शान डोसे का मजा ले रहे हैं पूरा, ये अंदर से साउथ इंडियन है, डोसा बहुत खाता है भाई। आप कैसा कर देंगे इसको कि इसका पूरा पेट भर दूंगा डोसे का, ताकि जब गुड़गांव जाए डोसे का नाम से ना नाम से दूर भाग। क्यों बेटा? ना ना ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। नहीं लगा सारा भाई जोगिंदर इतने डोसे खाएगा मैं सोची ना होगी। कितना सुंदर रास्ता आ जाता है, ज़्यादा मतलब सुंदर तो नहीं है, पहली बार सुंदर आया है, पानी भी है, पहाड़ियाँ भी आ गई हैं, रामगढ़ की कहानी आसपास ही होगी। शोले पिक्चर देखी थे वो, पता नहीं शायद वो साउथ में कहीं शूटिंग है, रामगढ़। तो आप देख सकते हैं ये रोड है, अभी 5-6 घंटे कम से कम हमें लगेंगे बेंगलोर पहुँचने में। डीजल भैया काफ़ी महंगा, टोल टैक्स आ गया है, टोल प्लाजा लिखा हुआ है। यहाँ अच्छी बात है हिंदी में नहीं लिखा तो इंग्लिश में हर जगह लिखा हुआ है, जो आदमी इंग्लिश पढ़ सकते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टोल टैक्स है ही है वो बता चुका हूँ आपको मैं। देखिए लेफ्ट हैंड पे कितना बड़ा पहाड़ है और ये कितना सुंदर लग रहा है, देखो पहाड़ है, पहाड़ की चोटी में एक पत्थर रखा हुआ, देखिए आप ये अलग तरह के पत्थर हैं, नेचर ने क्या हमें कितने खूबसूरत गिफ्ट दिया हुआ है। और ये देखिए सामने ये हाईवे है, ये लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो आपकी बार साउथ घूमेंगे पूरा पूरा एक्सप्लोर करेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि क्या 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 डू एंड डोंट्स है यहाँ पे, क्या करना चाहिए, कैसे प्लान चेक करना चाहिए और कैसा रहेगा, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। लेकिन और ये 550 किलोमीटर पड़ता है हैदराबाद से बेंगलुरु, 7-8 घंटे की 9 घंटे मान लीजिए आप, क्योंकि रास्ते में रुकते रुकता जाता है, रास्ते में होटल्स काफ़ी पड़ते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी ना एक टिफ़िन सर्विस के नाम पे यहाँ पर मेन रोड पर ही डोसा बना के बेचते हैं साउथ इंडियन, मतलब डोसा, तो
तो जो बहुत सस्ता होता अभी हमने खाए 120 रुपीज के तीन पड़े हैं 40 रुपए का ईच, तीनों में खा लिए मजे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया 120 रुपए में, चल दिया आगे, आगे मिलेगा तो और कुछ खाएंगे। और फ्रेंड अभी आगे जाएंगे ना तो हम आपके लिए सरप्राइज भी है, ऐसा कुछ इंतजाम किया हमने कि अगर कुछ ना मिले खाने का तो हम खुद भी पका के खा सकते हैं। गर्मी टेम्परेचर हमने एसी ऑन किया हुआ है, 31 का टेम्परेचर है और अभी हमारी गाड़ी ट्रिप पे 2000 किलोमीटर चल चुकी है। और ये देखिए आगे कोई साइन बोर्ड आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, अभी कुरनूल की तरफ जा रहे हैं। बेंगलुरु 400 है, अनंतपुरम 191 है, कुरनूल 43 है। तो आप देख सकते हैं कुरनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बहुत मज़ा आता है जब आप एक्सप्लोर करते हो पूरी इंडिया में, ऐसे घूमते हो अपनी गाड़ी लेके, अलग ही मज़ा है, अलग ही शौक है, अलग ही पागलपन है। तो फ्रेंड आपने सही पहचाना, बस पागलपन ही है, पागलपन ही समझ लो। ये जो ऐसे रास्ते आते हैं, पता नहीं कौन सा शहर है, कहीं भी रुको, कहीं कुछ भी खाओ, आप देख लीजिए, आप अगर यहीं के हों आसपास के तो आपको मालूम पड़ जाएगा एरावली। मेरे को तो ये नाम भी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बीइंग ए नॉर्थ इंडियन थोड़ा सा हार्ड टाइट होता है अपने इन चीज़ों में। ये अभी एक बॉर्डर आ गया है, ये एक बॉर्डर आ गया है, ये है, अब हम घूम रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर घुस गए हैं। ये था अभी जो था तेलंगाना, नाउ वी आर एंटरिंग आंध्र प्रदेश। कुरनूल है ये, काफ़ी गर्म लग रहा है देखने मेरे को, यहाँ डोसा वोसा साउथ इंडियन खाना अच्छा मिलता है। अभी फूड वगैरह भी काफ़ी फेमस है, बट हमें तो बैंगलोर जाना है तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं। कुरनूल काफ़ी फेमस जगह है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अभी देखेंगे आगे, गाड़ी में डीजल भरवाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आंध्र प्रदेश में डीजल क्या भाव मिलता है। फ्रेंड फ्लाईओवर्स बन रहे हैं यहाँ पे कुरनूल में, ऐसे ट्रैफिक है वो देखिए भाई साहब। कन्याकुमारी 1035 किलोमीटर है, मैसूर 486 है और बेंगलुरु 350 किलोमीटर है अभी यहाँ से। आंध्र में जो प्राइस है 96 रुपीज़ 46 पैसे है, 2000 डालना है 2000। और कर्नाटका बेंगलोर 120 सस्ता है 85 यहाँ इतना महंगा क्यों अभी? कर्नाटका 2000 रुपये का डील डलवा लिया मैंने गाड़ी के अंदर, देखा ना। अब ये मुझे शो कर रही है कि भाई गाड़ी 401 किलोमीटर और चली जाएगी, डीजल मेरी गाड़ी में सिर्फ रह गया था 50 किलोमीटर का, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी महंगा है यार। 96 रुपये डीजल है तो 9-10 रुपये का फ़र्क तो काफ़ी फर्क हो गया था, लेकिन कर्नाटका में सस्ता है 85 रुपीज़ है, तो वहाँ मैं टैंक फुल करा लूँगा आगे जाने के लिए। सब लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी ये पेट्रोल पम्प था जो लास्ट में, ये आंध्र प्रदेश था, पेट्रोल पम्प वाले भैया से मैंने कहा हिंदी, कहता नो हिंदी ओनली तेलुगू, नो हिंदी नो इंग्लिश। तो अभी देखते हैं कि हमारी हिंदी कहाँ से चलती है, हिंदी हमें कहाँ से साथ देती है। वैसे अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं है, और कर्नाटका आने वाला है, फिर जाएंगे तमिलनाडु। आपसे अब शेयर करूँगा, अपडेट करूँगा कि हिंदी वाले कहाँ तक घूम सकते हैं। फाइनली हमने ढूंढ लिया है एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, खाने को वेज मिलेगा आंध्र प्रदेश में वेजिटेरियन का नाम, आओ। बहुत मशक्कत की लेकिन मिल नहीं रहा था, देखिए यम्मी इनके नाम से है। हम तीनों एक उसमें बहुत फ्रेम में कम आते हैं, ये हम तीनों आ गए इस फ्रेम में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, शीशा काफ़ी बड़ा कर रखा है। डोसा इडली सांभर सिर्फ मॉर्निंग में मिलता है, ब्रेकफास्ट में दिन में चपाती रोटी होता है। तो अब हमने ऑर्डर तो कर दिया है और ये भैया ने प्लेट पे ये लगा के दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये हमने थोड़ा राइस मंगाया है, ये थोड़ा सांभर दिया भैया ने, ये सांभर चटनी ग्रेवी कोई नहीं, हम ले ये दही है भैया, दस दही देते हैं, 10 रुपीज़ का होता है ये। और ये हमने राइस मंगाए, अच्छा ये देखो कि शान ने कितना सारा माल ले लिया है, देखिए कितने पैसे तेरे पास, गाड़ी पूरी साफ करके आ गए
तो गाड़ी में दे रहे हैं? नहीं नहीं गाड़ी में, पूरा गाड़ी से पैसा निकाल के ले आया मेरा ये गरीब आदमी का। कितना हुआ है? 70 है। ये देखिए पहले 2000 को देख लीजिए, ये हो गया 96 और 97। गुड़गांव से आए हैं हम, अभी बेंगलोर 250 किलोमीटर के आसपास है और ये हमारी गाड़ी चल चुकी है। अब देखिए ट्रिप हो गया 2000 किलोमीटर फ्रेंड, मतलब हमने 2000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है 4-5 दिन में और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हम अपनी सफारी का बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। नई गाड़ी को चलाएंगे फ़ायदा नहीं है। 2000 किलोमीटर चलाऊँ फ्रेंड और अभी बेंगलोर नहीं पहुँचा, तो अभी तो मुझे बेंगलोर जाना है, फिर आगे और साउथ में कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम, पता नहीं ऊटी, कहाँ कहाँ जाना है मेरे को, वापस भी आना है मुझे। तो 6-7 हज़ार किलोमीटर मैं गाड़ी चलाऊंगा, बने रहना मेरे साथ फ्रेंड। ये आप जो माइलेज देख रहे हैं ये एसी के माइलेज है, ये कम इसलिए लग रही है फ्रेंड क्योंकि जो हैदराबाद शहर में हम घूमे हैं बाय गॉड फुल ट्रैफिक था, तो उसकी वजह से हमारी माइलेज डाउन हो गई है, वरना ये मुझे 20+ का दे रही है। अभी अभी हमने रूल लिया है, बहुत टेस्टी है, दिखा रहे मैडम, क्वालिटी बहुत अच्छी है। 2 किलो अमरूद मिला है, बड़ा प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा अमरूद है, यहाँ होता है गुआवा, और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिल रहा है, रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे, यहाँ पे पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट यहाँ भर भर के हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, जितने भी रेस्टोरेंट रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, पेट्रोल पंप भी बड़े बड़े हैं, हर चीज़ मिलती है खाना। ये गुआवा क्या है, बिल्कुल पीड़ा है, पीड़ा पेड़ से तोड़ा हुआ गुआवा है, मजा आ गया, बहुत मीठा अमरूद है। चीकू नहीं हो ये देखिए, पता नहीं नींबू है कि मौसमी है फ्रेंड, देख पूरे बाग है यहाँ पे, ग्रेप्स भी काफी है। अपनी गाड़ी से फायदा ये होता है आप कहीं भी गाड़ी रोक लो। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। वो भैया सामने ऑरेंज है, हमें लगा था नींबू है, और ये भैया ने जूस बना के दिया हमें। भाई जूस तो अच्छा, मीठा बहुत है। हाँ ना कैमरा कैमरा ఎంత పడుతుంది పైసా ఎంత అంట 4000 హా ఓకే కా మసాలా నై మేడం ఇక్కడ ఏమన్నా నింబు అంటే నింబు ఏ నింబు ఒక హిందీ నీ ఆతా హిందీ మాలూం నై భయ్యా హమ్ అభీ బెంగళూరు జా రహే హం కే సామ్నే టోల్ టాక్స్ థా యే जूस बेच रहा भैया फ्रेश एकदम अच्छा है, और ये संतरा लगा हुआ है यहाँ पे। भैया ये बच्चा एक दिन ना मेरे को ना बिल्कुल घोड़े लगा देगा, ये हर दुकान पे खड़ा हो जाता है हर दुकान पे खाना चाहिए। ये मेरे ही पैचोरी के तुमने ओम साईनाथ आइसक्रीम, वो खड़ी है अपनी दमयंती। हम जा रहे हैं बेंगलोर और ये देख लीजिए भैया, ये बच्चा है, ये बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है भैया। ये इसकी मम्मी है, हर जिद पूरी करती है इसकी। कैसे है? अच्छा है बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे बेंगलोर की तरफ, ऐसा लगता है पूरा देश ही अपना है। हमें डर था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, कैसे खाएंगे, सबको हिंदी आता है, सब मतलब मस्त एकदम, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। हाँ बस टोल टैक्स के पैसे जेब में होने चाहिए भैया, टोल टैक्स से बड़ा परेशान हूँ मैं। इन रस्तों पर चलो, रास्ते में जब मन करे आप उनको चाय पियो, कॉफ़ी पियो, बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को देख के, और अलग अलग कितना अलग अलग लोगों से मिलते हो आप, तो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं कि आपको एक ही स्टेट में घूमते रहो, हमारी 7th स्टेट है भी, ये 3 दिन में हम 7th स्टेट 7वीं स्टेट आ गई है, तो बहुत मज़ा आता है। हर आदमी समझता है, पैसे की भाषा तो भाई हर आदमी को आती है, मैंने देख लिया, चाहे उसको हिंदी आए कुछ भी आए नहीं, जैसे पूछता हूँ ना टका पैसा, वो एग्जैक्ट जवाब देता है, एक बार भी गलत नहीं होता। तो इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, सब प्यार कर रहे हैं लोग, मतलब ऐसे एक आदमी भी नहीं रहा जो मतलब ऐसा कोई गलत तरीके से बात करे, या मतलब वो दुनिया में हमारे हिंदुस्तान में प्यार भरा पड़ा है, प्यार बांटोगे तो प्यार ही मिलेगा ना।
और आपके मन में कोई लोग खड़े हुए ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह जगह पेट्रोल पंप है, रुको खाओ पियो चलो फिर खाओ फिर रुको फिर चलो, जहाँ शाम हो जाए वहीं होटल मिल रहा है। अभी तक तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है फ्रेंड, देख इतने सुंदर होटल आ गए हैं, गायत्री रेस्टोरेंट। लेकिन डोसा वोसा ये सुबह सुबह खाते हैं, शाम को यहाँ सब दाल चना रोटी मिलता है। तो अगर सब ठीक रहा तो मैं आपको वहाँ भी लेके जाऊँगा जहाँ शोले पिक्चराइज हुई थी, रामगढ़, और आपसे शेयर जरूर करूँगा, ज़रूर देखना। फ्रेंड अब आ गया है कर्नाटका, देखते हैं कर्नाटका वाले टोल टैक्स पढ़ पाते नहीं पढ़ पाते। पढ़ लिया ग्रीन हो गया है, तो यानी कि अब हम आ गए हैं कर्नाटका में। तेलंगाना के बाद आता आंध्र प्रदेश, आंध्र के बाद अब आ गए हम कर्नाटका। हमारी ये 8वीं स्टेट है और यहाँ पे कर्नाटका में डीजल सस्ता 88 रुपीज़, तो मैं अब टैंक फुल कराऊँगा अपना, क्योंकि वहाँ पे भैया 7-8 रुपया फ़र्क है और टोल टैक्स तो इतने भरे पड़े हैं, 3000 से ऊपर मेरा टोल टैक्स अब तक कट चुका है, 4000 बार डाले थे मैंने, शायद 400-500 रुपये बाकी हैं। लगे नहीं ना, ये आपको दिखाता हूँ, ग्रेप्स लगा नहीं मेरे को, ये सारा ग्रेप्स है फ्रेंड, लेकिन अभी ग्रेप्स लगे नहीं हुए, बहुत ही सलीके से बनाया गया है इसको, सारा का सारा ग्रेप्स यहाँ होता है। अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद से बेंगलोर, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, बहुत मज़ा आया, मैंने पहली बार देखा ऐसे ग्रेप उगते हुए। वो हमारे संतरे की खेती थी, ये ग्रेप्स है, काफ़ी ग्रेप्स होता है यहाँ पे। तो ये आया बदमाश मेरे साथ, मेरा कैमरा मैन, कोई मिल जाता तो ले भी लेते, ग्रेप्स तो है नहीं। तो ईशान ने शायद पहली बार देखे हैं, वो खड़ी है हमारी मैडम, ये भरत मिलाप होते हुए माँ बेटे का, ये देखिए कितना सुंदर लगता, ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, वहाँ भी ठंडक है भाई, एक बात सुनो, हम अभी आए हैं, वैसे तो इसी बैठे हैं हम, लेकिन यहाँ पे हवा में ठंडक है, शायद इसीलिए, शायद ये पहाड़ियाँ वाड़ी हैं इसीलिए ऐसा होता होगा। और देखिए बेंगलुरु, अभी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं हम, कितनी सुंदर एंट्री है बेंगलुरु की 6:30 के आसपास, अभी 20-25 किलोमीटर और दूर है, हम जो होटल जाएंगे सामने देखिए आ गया फ्री टोल टैक्स। एंट्री तो बड़ी शानदार है बेंगलुरु की, टोल टैक्स भाई छोड़ ही नहीं रहा हमारी जान, इतने टोल टैक्स है भाई साहब, तंग आ गया मैं तो। दोस्तों मैंने एक चीज देखी है, बड़े बड़े शहर सारे जैसे होते हैं, देखिए बेंगलुरु में आए तो गुड़गांव में लग रहा है मुझे, जैसे गुड़गांव सफर करते हैं, गुड़गांव में भी ऐसे फ्लाईओवर्स हैं, और हम गुड़गांव के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, तो हमें ऐसे घबराहट नहीं होती कभी भी, क्योंकि हम इस जीवन को जी चुके हैं। बेंगलोर में मैं आ चुका हूँ, अभी 550 किलोमीटर था, 9 बजे स्टार्ट किया था, रुकते रुकाते आए थे हम, और अभी 6:30 बजे बेंगलोर देख लीजिए, बेंगलोर शहर। लेकिन मौसम ठीक है, टेम्परेचर जो है 26 डिग्री है, पर ठंडक सी है थोड़ी मौसम में। अब हम जा रहे हैं सीधा जो हमने होटल बुक किया हुआ है, या फ्लैट हमने 2-3 BHK बुक किया हुआ है। फाइनली हम बेंगलुरु पहुंच गए हैं, हमने छोटा सा एक फ्लैट लिया है यहाँ पे, ये है ईशान बैठा हुआ है, यहाँ पर मैं आपका वेलकम करूँगा बैठ के, फ्री का खाना खाऊंगा, ये है, ये एक बेडरूम इधर है, एक बेडरूम यहाँ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा, ये एक बेडरूम है, इस बेडरूम में भी इधर टॉयलेट है, हाँ ये डाइनिंग एरिया है। तो हमने 3 नाइट्स पे लिया है, कच्चा बादाम, उसको जानते ही जान लो, कच्चा बादाम को, यहाँ पानी वानी किचन ये पानी की बोतल है, हाँ। ये हम आ गए हैं अब यहाँ 3 दिन यही रहेंगे हम, और फिर देखते हैं अब कहाँ जाना, मैप ले लिया हमने, अब यहाँ प्लान करेंगे कि कहाँ जाता है पहला। तो फ्रेंड्स आज का दिन, हैदराबाद से हम आए हैं बेंगलोर,
कैसा लगा जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।